हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो रूल्स गेमिंग। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइस यार, सबसे पहले हम थोड़े से ट्रीज कट कर लेते हैं जैसे हम हमेशा करते हैं, क्योंकि थोड़े से टूल बनाना है। और भाई करण पता नहीं कहाँ, हाँ यहीं पे है भाई। करण को मैं बेड लेने के लिए भेज रहा हूँ, क्योंकि यार देखो गाइस, मैं ट्रीज कट करूँगा और अब करण बेड का काम कर देगा, तो भाई इतना रात को इतना मतलब तकलीफ नहीं होगी, फर्स्ट नाइट अच्छा जाएगा भाई। गाइस यहाँ पे मैंने सारे के सारे टूल्स बना लिए जो भी मुझे काम आएंगे। तो सबसे पहले अभी देखो गाइस, पूरा दिन चला गया भाई। यार बस मैं ट्री कट कर रहा हूँ और यार करण इतना दूर चला गया ना, मैं मुझे मिला ही नहीं यार। पूरा दिन पता नहीं कहाँ पे घूमता रहता है वो भाई। यार ज़ॉम्बी ने मार दिया तो यार बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि बेड का काम उसका है, तो सारे बेड उसके पास है। तो यार मुझे अच्छी खासी जगह नहीं मिल रही यार घर बनाने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक रात बिताने के लिए एक उपासी बना लेते हैं। देखो करण का नेम टैग भी दिख रहा है, करण आ गया है, तो वो बेड लेके आया होगा। तो गाइस यहाँ पे मुझे गुफासी बनानी है, क्योंकि वहाँ पे हम आज की रात तो आराम से गुजार सके, क्योंकि माइनक्राफ्ट में यार सबसे ज़्यादा डर लगता है क्रीपर से भाई। बाकी तो सब बुद्धू है, बट क्रीपर लेजेंड है भाई। गाइस मैं काफ़ी देर से यहाँ पे खोद रहा हूँ और मुझे बहुत सारा स्टोन भी मिल चुका है। इससे मैं अपना पूरा सामान में स्टोन में कन्वर्ट अपग्रेड कर दूंगा भाई। यार करण किप से आ रहा है भाई चलते चलते। यार उसको इतना आसान सा काम दिया था, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ भाई। ज़ॉम्बी लग गई इसके पीछे, तो जल्दी से हम इसको पूरा कवर कर लेते हैं। अबे तू कहाँ से आया मरने के लिए भाई? ये नहीं बचेगा भाई। दो बंदे, स्केलेटन भी आ गया भाई। ओ बढ़िया यार, करण ने स्केलेटन को संभाल लिया, नहीं तो स्केलेटन दोनों को खा जाता यार। कोई बात नहीं यार, मैंने गाइस पूरा अभी देखो इसने बेड भाई लगाना, जल्दी सोने दे, ये पूरा सामान रख देता हूँ मैं भाई साहब। भाई बंदे के मजे देखो, उसको दो बेड बनाने के लिए भेजा था, एक बेड बना के खुद ही सो रहा है भाई यार। अरे करण पीछे देख, पीछे देख भाई सब, तुझे आवाज नहीं आ रही क्या यार? क्रीपर फट गया फिर भी बंदा वहां पे खोदे जा रहा है यार। इनको मकड़ी साली, भाग यहाँ से भाग भाई यार। घुस करके आवाज कितनी जोर से आई मुझे। करण वहां पे आगे खोद रहा है भाई, क्या कर रहा है तू? साइड हट जा वहां पे, मैं इतने में भाई छोटा उत्साह भाई उस्ताद निकलो भाई। भाई करण की लग गई गलती से, तेरी वजह से करण मरा, तू तो नहीं बचेगा अभी साला। यार ये कितना तेज भागता है साला भाई। कोई बात नहीं यार गाइस, हमें पूरा कवर करना पड़ेगा। गाइस बहुत मुश्किल से रात बीती है, बट फाइनली अभी सवेरा हो चुका है, तो यहाँ से जल्दी से बाहर निकलते हैं, क्योंकि गाइस रात भर इतने ज़ॉम्बी ने परेशान किया ना यार। ठीक से हम यहाँ पे स्टोन भी कलेक्ट नहीं कर पाए, तो इसलिए सुबह कर रहे हैं, क्योंकि रात को बस एक कोने में खड़े थे भाई। ज़ॉम्बी आया कि मारा, आया कि मारा, यही कर रहे थे हम दोनों भाई। कोई बात नहीं, तो ये देखो पहले दिन हमने बस इतना सा ही सामान कलेक्ट किया है। गाइस अभी दूसरे दिन की भी रात हो गई है, मैं गया था बेड का सामान लेने के लिए और यहाँ पे भाई बड़ी मुश्किल से हमें बस साथ ही कलेक्ट कर पाया, पूरा दिन लग गया। तब तक मैंने करण को बोला था तू घर में टॉर्चेस वॉर्चेस ढूंढ के लगा दे भाई, पता नहीं वो क्या किया होगा। बट ये देखो यार कि इन किन पहाड़ियों में हमारा घर है भाई। यार अभी थोड़े दिन यहीं पर रहने का प्लान चल रहा है भाई साहब। देखो अभी करण ने बढ़िया बना दिया यार, मतलब दूर से समझ जाता है कि हमें हमारा घर है, बट उसने यार डोर ने बनाया, तो इसलिए ऊपर से जाना पड़ेगा। वो उधर से आ रहे, उधर किधर गया था क्या पता। चलो गाइस ऊपर से खोद के नीचे जाते हैं। गाइस करण ने मस्त टॉर्चेस वॉर्चेस लगा दिए, बट एक तरफ से खोद के मैं नीचे आया, दूसरी ओर से करण। तो भाई यार मैं देखो करण ने कैसे, यार क्या बंदा है यार, सब कुछ कर लेता, डोर नहीं बना सकता था क्या? गाइस ये देखो यार, इस तरह से हमने थोड़ा सा मतलब रहने लायक तो घर बनाया है। ये देखो ये करण का बेड है, अभी मुझे मेरा बेड बनाना पड़ेगा। करण को बोला था, करण नहीं गया भाई, क्या बंदा है उस। तो गाइस यार फाइनली मेरा बेड बन चुका है और हम सो रहे हैं दूसरे दिन के, मतलब दूसरा दिन का रात जो है हमारा पहली रात हो चुकी है। ओ भाई यार क्या बंदे हैं यार, दो दिन हो गए सोए नहीं थे, तो आप चैन से सो रहे हैं। गाइस करण ऑफलाइन चला गया था और तब मैं यहाँ पे विलेज ढूंढने आया था, और भाई यार ये विलेज पास ही में था हमारे, बिल्कुल हमारे पीछे एक पहाड़, दो पहाड़ हमें बस पार करने और ये विलेज आ जाता है, और ये विलेज के दूसरी ओर समंदर है। गाइस यार मेरे, मैं जब भी वर्ल्ड बनाता हूँ ना भाई, समंदर आ जाता है यार मुझे।
बिल्कुल पसंद नहीं है समंदर यार, चारों ओर से एक समंदर आ जाए तो बोर लगता है। बट फिर भी चलो कोई बात नहीं गाइस, तो यहाँ से तो आज खाने पीने का सामान मिल गया। इस बंदे के घर में देखते हैं क्या है। चेस्ट तो दिख रही है भाई, इसमें भी वही खाने यार, एमरल कुछ हो वैसा कोई सा। भाई मेरे पास आयरन नहीं, इसको मारता हूँ मैं। आजा नूबड़े यार, तू बॉट है, नूब है कुत्ता भाई यार, क्या ऊंचा उड़ा दिया था। एक मिनट जल्दी से ऊपर चलो, ये तो एक और उड़ा के फेंक देगा पानी में भाई साहब, ज़्यादा ही दूर ऊपर आ गया मैं। कोई बात नहीं भाई, खाना खा, एक मिनट मेरे खाना खाने दो और थोड़ा सा हेल्थ बढ़ने दो, तब इसको दिखाता हूँ। मुझे मारा ना इसने, बस एक ब्लॉक नीचे जाऊँगा और देखा भाई। अभी अभी तू कर, मार के दिखा नूबड़े, नहीं मार पाएगा भाई। तू क्या देख रहा है, बचने की ट्राई कर बॉट साले गधे। गाइस ये तो बहुत ही नूब है यार, इसको इसको मारना मतलब भाई हाथ का काम है। और देखो दिखते हैं कितने आयरन मिलते हैं, 4-5 मिल जाए मजा आ जाएगा भाई। कितने मिले, 5 आयरन भाई, बहुत यार। अब मैं यहाँ इससे 2 शील्ड और एक वाटर बकेट बनाता हूँ। इस तरफ क्या है देखते हैं गाइस, कुछ मिला तो बढ़िया होगा भाई। यार नेदर में जाने का रास्ता भाई, नेदर फोर्ट्रेस, वो भी इतने पास में। एक मिनट, यहाँ पे एक चेस्ट होती है, देखते हैं चेस्ट है कि नहीं। भाई यार मैं लकी हूँ यार, अभी हमें मतलब बस डायमंड चाहिए, बस एक डायमंड की पिकेक्स मिल गई तो इसको कंप्लीट कर लेंगे, जाएंगे नेदर में। यहाँ पे एक चेस्ट है, चेस्ट में क्या भाई साहब, गोल्डन कैरेट। ओ भाई ये टोटल 10 कैरेट से गाइस, यार मज़ा आ गया यार। विलेज पे आने का मतलब बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ, मुझे नेदर भी मिल गया और मतलब नेदर में जाने का रास्ता भी मिल गया और गोल्डन कैरेट्स। गाइस मैं वापस घर पे आ चुका हूँ, मतलब घर तो इस पहाड़ के नीचे आपको पता है, बट उसके ऊपर मैं अभी फार्म बनाने वाला हूँ और बाद में सारा सामान घर में रखेंगे। तो फार्म बनाने के लिए गाइस मुझे यहाँ की पूरा सा क्लीन करना पड़ेगा, एकदम सरफेस बनाना पड़ेगा। देखो ये ऊपर नीचे हो रहा है, एकदम क्लीन करके एकदम प्लेन बनाना है इसको। तो गाइस मैंने यहाँ पे बहुत सारी जगह एकदम ऊपर नीचे हो रही थी एकदम प्लेन कर दिया है, और कहीं पे डर्ट तोड़ा, कहीं पे डर्ट डाली, बट यहाँ पे अभी फेंस लगाने हैं क्योंकि यार फार्मिंग बनाना है तो बाहर से कोई आ ना जाए वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे फेंस लगा देते हैं जल्दी जल्दी से। तो गाइस मैंने पूरे फार्म को पेन से पूरा कंप्लीट कर दिया है, और यहाँ पे अभी थोड़ी जगह जगह पे गड्ढे बनाने हैं क्योंकि उसमें पानी डालेंगे तो ही यहाँ पे फसल उगेगी ना, इसलिए यहाँ पे गाइस मैंने गड्ढे भी डाल दिया। अब उसमें पानी भरते हैं जल्दी जल्दी से हम। तो गाइस यार फाइनली सब में मैंने पानी भी डाल दिया है, अब इसको होई की मदद से खेत बनाना है जिसमें हमारा अनाज उगेगा। भाई एकदम फास्टली फास्टली कर लेते हैं पूरा। लेट्स गो गाइस, तो हमारा फाइनली यहाँ पे पूरा फार्म कंप्लीट हो चुका है। ओ भाई यार बहुत मेहनत लगी, बस हमें यहाँ पे एक डोर बनाना है, मतलब फेंस गेट ये लगा दिया है। देखो गाइस अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ये गीला होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट जैसे गीला हो जाएगा मतलब एकदम खेत की तरह दिखेगा। और गाइस इसमें अनाज हम लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा हमारा घर को बड़ा बनाएंगे, उसमें एनिमल्स, हम थोड़ा सा एनिमल्स फार्मिंग करेंगे और यहाँ पे अनाज भी उगाएंगे। तो गाइस आई होप कि आप सभी लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को एक लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू लेटर, टेक केयर, बाय बाय।